दिस इज द पार्ट टू ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ 1947। 1947 में जो हमारा इंडिया था, जिसको हम अखंड भारत कहते थे, ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया कहते थे, ठीक है, वो डिवाइड हो गया मेनली टू पार्ट्स में। एक हो गया इंडिया, ठीक है, दूसरा हो गया पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान भी लेटर ऑन टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। एंड ईस्ट पाकिस्तान को प्रेजेंट डे हम बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये जो पार्टीशन हुआ था कैसे हुआ था, कौन सा ऐसा चीज़ था जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था। देखो, पार्टीशन से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यहाँ पे तीन टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाहर भी बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लाइक पार्टीशन कैसे हुआ, कौन से फैक्टर थे जो पार्टीशन को अफेक्ट करते थे, पार्टीशन का जो मेन रीज़न था उसके पीछे MCQ भी पूछ सकता है कि लाइक किसका क्या प्लान था, किसकी वजह से पार्टीशन हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, ऑल एंड ऑल दिस थिंग्स। इसमें से क्वेश्चन 2 मार्क्स MCQ का भी ऑब्वियसली पूछ सकता है, उसके अलावा 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आवर सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको एक्सप्लेन कीजिए, और आप पूरा जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको कैसे शुरू हुआ, कौन क्या, किसने किया, ऑल एंड ऑल ये चीज़ें। इसमें भी जनरली 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का नहीं आएगा, 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मेनली आपको पता ही होगा न्यूक्लियर पॉलिसी का 4 मेनली पॉइंट होता है, ठीक है। उस 4 पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स आपके फुल मिलेंगे, ठीक है। ओके, देखो 4 पॉइंट क्या क्या होते हैं मेनली। पहला, इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी में ऐसा है कि लाइक हम किसी पे भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी यूज़ करते हैं, मतलब हम किसी पे भी पहले अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई हमको छेड़ता है, कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, तो ही हम दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे, हम किसी पे भी पहले अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेटिविटी लाइक जैसे कि NPT हो गया, उसके बाद CTBT हो गया, ये हम नहीं साइन करेंगे, हम अपने पास न्यूक्लियर पावर रखेंगे। तीसरा चीज़, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारा जो न्यूक्लियर पावर है, वो ओनली फॉर पीस परपोज़ के लिए है, लाइक झगड़ा करने के लिए, कोई लाइक दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा नहीं, सिर्फ हम अपने सुरक्षा के लिए हम ये रखेंगे, अपने पीस परपज़ के लिए यूज़ करेंगे। कहते हैं इंडिया के तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट 2 बार किया गया था, एक किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, नेक्स्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, ठीक है, ये भी आप याद रख लो, MCQ पूछे जा सकते हैं। चलो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज का थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन आया था जिसने 5-year plan FYP, ठीक है, आपको पता होगा FYP, ठीक है, 5-year plan लाया था। एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का देश के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग कमीशन था, इसका क्या काम था, ये जो पाँच वर्षीय प्लान लाते थे, वो क्या क्या था, एंड पहला 5-year plan, सेकेंड 5-year plan, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स तक पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का नहीं पूछेगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द इंदिरा गांधी बिकम द इम्पॉर्टेंट लीडर इन द पॉलिटिकल ऑफ इंडिया 1960s। देखो, इंदिरा गांधी भारतीय पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी भारतीय पॉलिटिक्स में 1960 के बाद एक बहुत रोल प्ले किया, ठीक है। देखो, इंदिरा गांधी जो था वो क्या था, वो एक लाइक जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बेटी था, तो उसको तो ऐसे भी मिलना था पॉपुलैरिटी, ठीक है, तो इसके वजह से उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया 1960s में, लेट 1960s में, ठीक है। तो वो जनरली 5-10 साल रही, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, देश का कंडीशन बहुत बुरा कर दिया, देश को एकदम बिगाड़ के रख दिया, ठीक है, तो लोगों ने उनको हटा दिया। एंड फर्स्ट टाइम इनके टाइम पे, फर्स्ट टाइम 1977 में कांग्रेस के अलावा दूसरा पार्टी जो जनता पार्टी था उस वक्त का, मोरारजी देसाई उन लोगों का पार्टी था, वो जीत गया था, ठीक है। एंड इंदिरा गांधी को एक बहुत हार झेलना पड़ा, बट मोरारजी देसाई की पार्टी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाई, इसलिए फिर से इंदिरा गांधी जीत गया था। आफ्टर लोगों को बहुत सताया इमरजेंसी की पीरियड में, अब जब इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि मतलब बहुत लोगों को मतलब बहुत दर्द दिया, दुख दिया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर, ठीक है। सो ये था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का, ये भी 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का जनरली नहीं पूछेगा यहाँ से। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इमरजेंसी ऑफ 1975। 1975 का जो इमरजेंसी था उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा इंदिरा गांधी, तो इमरजेंसी के पीछे इनका ही सबसे बड़ा रोल था, ठीक है। तो ये इमरजेंसी कैसे हुआ, क्यों हुआ, एज अ रिजल्ट क्या हमको देखने को मिला, ये चीज़ें 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट स्किप इट। क्वेश्चन,
एक्सप्लेन द शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी आपके एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 6 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शॉक थेरेपी क्या है, एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस क्या थे, क्या हुआ था, ठीक है। एंड मेनली आपको पता ही होगा कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी सडनली कैपिटलिस्ट बन जाए तो लोगों को तो शौक लगेगा। ये करंट वाला शौक नहीं था, ठीक है, ये था दिल पे शौक। मतलब सडनली आप थे, आपके पास एम्प्लॉयमेंट था, चला गया एम्प्लॉयमेंट, खाना था, खाना चला गया, आप नॉर्मल थे, आप गरीब बन गए, ठीक है। ये जो चीज़ें था इसको कहते शॉक थेरेपी। इसको आपको अच्छे से कर लेना, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर से 4 से 6 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना आप सबके लिए, सोशल क्लासेस 9 to 12 आप सबके लिए लेके आया है लाइव पेड क्लासेस। हम क्लास 12 के बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी का लाइव पेड क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। सो जो बच्चे क्लास 12 में नए हैं, सेशन 2024-25 वाले बच्चे, हमारे क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन, हर चैप्टर का बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, हर चैप्टर को बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ओके। हर चैप्टर के बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर चैप्टर से आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा। आप ड्यूरिंग लाइव क्लासेस टीचर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, टीचर को अपना डाउट भी पूछ सकते हो, फ्री का एक्स्ट्रा डाउट सेशंस होगा, एंड बहुत सारे फैसिलिटीज़ रहने वाले। सो आप क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्लासेस विल बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लासेस को आप ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर में मैसेज कर सकते हो। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार नहीं, मैं बोलता हूँ इसको 10 स्टार लगा दो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, ये आपके चाइनीज इकोनॉमी का कैसे ग्रोथ हुआ, ठीक है। चाइना जो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, आज भी कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, तो वो कम्युनिस्ट कंट्री ने अपने इकोनॉमी को कैसे इतना डबल ट्रिपल ग्रोथ किया, ठीक है। आज के समय पे देखो, इन 2024 चाइना का इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। पीपल बैंक ऑफ चाइना, जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक होता है, पीपल बैंक ऑफ चाइना का जो नेटवर्थ है वो सेकेंड पोजिशन है। फर्स्ट पोजिशन पर तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना का सेकेंड, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा सेकेंड पैसा किसके पास है, चाइना के पास है, आफ्टर यूएसए, ठीक है। यूएसए फर्स्ट है, उसके बाद चाइना सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना की इकोनॉमी के पीछे कौन था, कैसे हुआ, एक ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से बंद था उसने अपने कंट्री को कैसे खोला। जैसे कि इंडिया में एलपीजी आया तो वहाँ पे कैसे, कौन से रिफॉर्म्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आज का आपका 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश को कैसे इंडिपेंडेंस मिला। जैसे कि आपको पता है इंडिया डिवाइड हो गया 1947 में, डिवाइड होकर 2 पार्ट बन गया, ठीक है। एक बन गया पाकिस्तान, दूसरा बन गया इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान का भी 2 पार्ट हो गया, एक हो गया ईस्ट पाकिस्तान, एक हो गया वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को प्रेजेंट डे में हम बांग्लादेश कहते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, वहाँ की इंडिपेंडेंस दिलाने में एक उनका बहुत ही बड़ा रोल था। अगर वो ना होते तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं मिलता, तो एक था बांग्लादेश का ऐसा। तो बांग्लादेश कैसे इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया का रोल क्या था, जैसे कि आपको पता है इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस देने में, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश को पूरा पाकिस्तान ने एक कवर कर लिया था, जिसमें भारत के जो आर्मी थे, इंडियन आर्मी, इंदिरा गांधी एंड भारत सरकार के ऑर्डर पे उन्होंने पूरा बांग्लादेश, मतलब उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान को पूरा कैप्चर कर लिया एंड एज ए न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये था बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री, इसको भी आपको 4 से 6 मार्क्स के पोजिशंस पे पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 5 वेज बाय विच इंडिया कैन बी परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। तो इंडिया कैसे UN, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, इंडिया भी उसका परमानेंट मेंबर बन सकता है, कैसे बन सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, एक अच्छा मिलिट्री होना, एक अच्छा इकोनॉमी होना, एक बहुत बड़ा कंट्री होना, पॉपुलेशन ज़्यादा होना, इंडिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया के पास ये सारे जो गुण है, ये सारे जो बेनिफिट्स है, इंडिया के पास ये जो सारे गुण हैं, इंडिया के पास ये जो सारे लाभ है, ठीक है, ये जो सारे क्राइटेरिया है, ठीक है, वो इंडिया फुलफिल करता है, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि इंडिया भी एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन सकते हैं, उनके पास भी, मतलब हमारे पास भी एक वीटो पावर हो सकता है। बट ये क्या होता है, ये चाइना का भी सपोर्ट नहीं करता कि हम उनसे आगे चले जाए, ठीक है। चाइना तो
हमारा दुश्मन है, ठीक है, वो हमको आगे जाना देखना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ये यूएनएससी का इंडिया कैसे परमानेंट मेंबर बन सकता है, कैसा कैसा क्राइटेरिया है, वो भी आप अच्छे से पढ़ें। दिस इज़ आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक्सप्लेन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से घुमा फिरा के बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक इंडिया और पाकिस्तान का वार्स बता दो, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान का कैसा रिलेशन रहा है बता दो, वार्स, जैसे कि वार्स के अंदर आप 1947 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया था, उसके बाद 1965 में हुआ, उसके बाद 1999 में हुआ, एंड कुछ ऐसा करके इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत लाइक क्लैशेस हुए, वार्स हुए, ठीक है। एंड पाकिस्तान में आपको पता ही होगा बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप उन्होंने पाल के रखा है, वो भी बहुत एक लाइक बहुत बुरा चीज़ है, ठीक है। तो ये देखो, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे बहुत बुरा रखा है, बट कभी कभी हमारी सरकार ने ट्राई किया है अच्छा रिलेशन क्रिएट करने के लिए, बहुत सारे ट्रीटीज़ भी साइन किए हैं, ठीक है, बट फिर भी रिलेशन उतने अच्छे कभी भी नहीं हुए, ठीक है। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना, और आप पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी अच्छे से आप पढ़ो, लाइक वहाँ पे मिलिट्री रूल कब कब था, गवर्नमेंट रूल कब कब था, ऑल एंड ऑल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए ट्राई टू गिविंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। सो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।